तेलंगाना के न्यूज़ में अब तमाम का खैर मुकदमे बढ़ते हैं खबर की जानिब। एक नौजवान के कत्ल का वाकया पुलिस ने किया पर्दाफाश। बताया गया कि तीन दोस्तों ने मिलकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। बात बताई गई है 8 और 9 तारीख की रात की, जहां पर शराब नोशी के लिए एक शख्स जिसका नाम गौश पाशा बताया गया, एक सुनसान इलाके में जाकर शराब नोशी कर रहा था। जबकि वहां पर मौजूद एक दूसरा मुकामी शख्स ने इस बात पर एतराज किया, दोनों में तनातनी हो गई और इसके फौरी बाद इसने अपने दो दोस्तों को बुलाया और धक्कम मुश्ती में इस शख्स का कत्ल हो गया। पुलिस ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाते बताया गया कि इस्तेमाल की गई रेड कलर की जन कार के अलावा हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी, 3 मोबाइल, बियर के बॉटल्स और टी शर्ट्स वगैरह पुलिस ने जब्त किए। ये तमाम तर कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नारजोन श्रीमती चंद्रा दीप्ति की हिदायत पर श्री बी रमेश एसीपी महाकाली डिवीजन की टीम में नॉर्थ जोन से श्री कावेटी श्रीनिवासलु SHO महाकाली और उनकी मुकम्मल टीम ने अंजाम दी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़। 9 तारीख जनवरी भंकाली पुलिस स्टेशन में एक मर्डर हुआ है। भुक्या शिवाजी जो इनका नाम है, इनका 22 ईयर्स उम्र है। ये एक पुल ऑफ ब्लड में ऐसा पड़े रहे थे एंड उनका मदर ने हमें कंप्लेंट दिया। हम टीम्स बना के थोरो इन्वेस्टिगेशन करके 1 बजे के पहले 5-6 घंटे में इस केस को क्रैक कर दिए। मतलब पूरा डिटेक्शन डिटेल्स के साथ हमें हमारे पास थे एंड इसका नरेशन मतलब कैसा हुआ ये सारे ऐसा है कि गाउस पाशा एक फ्लावर डेकोरेटर है, वो भी ये जो लोग गली में घूमे थे वही गली में गए थे एंड इन दोनों के बीच में शिवाजी जो मर गए थे, शिवाजी और पाशा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ पेटी इशू में क्वारल हुआ। दोनों अनजान लोग हैं एक दूसरों को, दे आर स्ट्रेंजर्स कम्प्लीटली एंड थोड़ा सा झगड़ा हुआ एंड गौस पाशा ने उनके दोस्त को बुला के गाड़ी में, वो आने के बाद ये जल्दी से जल्दी अपने जो अपने पॉकेट में एक नाइफ़ निकाल के, जो नाइफ़ वो फ्लावर कटिंग के लिए यूज़ करता वो वाला नाइफ, इसका नेक में एक यू नो वन कट लगा के फिर भाग के वो गाड़ी में बैठ के चला गया गौस पाशा। बाद में वो वहाँ गिर गया अराउंड 11:30 के टाइम पे एंड ब्लीडिंग होते होते ही वो मॉर्निंग मर गए हैं। पर तब तक किसी को कुछ समाचार नहीं है। ये प्रॉब्लम है बिकॉज ये शिवाजी कॉल भी करने के लिए कोशिश किया उनका दोस्तों को, पर कोई फ़ोन नहीं उठाए क्योंकि वो ड्रंकन कंडीशन में पहले भी उनको कॉल करा था एंड इनके साथ जो लड़का था वो जुवेनाइल है, उसको मिंटू हम बुलाएंगे, इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है। वो भाग गया उस टाइम। बाद में वो आके वहाँ से बाइक भी लेके गया पर उसने ये बात किसी को नहीं बोला। अगर वो किसी को बोलता था कि ऐसा एक आदमी नीचे पड़े है तो उसका लाइफ सेव हो सकती होती, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से वो मॉर्निंग तक किसी ने उसको बात देखा नहीं और वो मर गया है।